पढ़ाई के नाम पर भी हुई धोखाधड़ी, एनजीओ ने लाखों का लगाया चूना। कृष्ण नारायण एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नामक एनजीओ पर लगे धोखाधड़ी के आरोप, बच्चों से भी लिए 3,000 रुपए, बाद में वापस लौटाने की हुई थी बात। साथ ही रखे गए शिक्षकों का वेतन भी तय था 5,000, लेकिन ना तो बच्चों के 3,000 वापस मिले, ना ही आज तक शिक्षकों का वेतन। एनजीओ के मालिक ने कभी थमाया चेक, अकाउंट में पैसा नहीं, कभी दी धमकी, जिसके बाद रखे गए शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार अधिकारियों के चक्कर काटते रहे, कभी विकासनगर पुलिस थाने में तो कभी तहसील कार्यालय में, लेकिन ना तो पैसा मिला और ना ही अभी तक संस्थान के संचालक पर कार्रवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि कृष्ण नारायण एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी एक सोसाइटी आई थी जो उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर पैसे ले चुके हैं और लगभग कहा जाता है 3 करोड़ रुपए का ये घोटाला है जो पैसे उनसे पैसे लिए गए हैं। उनसे कहा गया था 1 साल से ये सोसाइटी काम कर रही थी, लेकिन एक भी पैसा अभी तक उनका नहीं मिला है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उनसे पैसा लिया गया, उनसे कहा गया था कि 6 महीने बाद आपके ये पैसे वापस दिए जाएंगे इंस्टीट्यूट के नाम से, और जो इंस्टीट्यूट में टीचर थे उनको भी सैलरी देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उनको एक भी पैसा नहीं मिला है संस्था की तरफ से। आइए जानते हैं क्या मामला है इन्हीं से जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो हम आए हैं, आज हमने माननीय SDM विकास नगर साहब को हमने वार्ता की है, क्योंकि इससे पहले भी हम 3 या 4 बार हम SDM विकास नगर में धरना भी दे चुके हैं। DM साहब देहरादून को ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं, DM सहारनपुर को हम ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं, और लगभग 4 से 5 हम पुलिस को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। हम लोग इतने पीड़ित हैं कि या तो कोई जिनका कर्जा है वो हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, हम में से इतने पीड़ित हैं कि हम में से कोई आत्महत्या तक भी कर सकता है। और बात करते हैं विनोद कुमार गुप्ता और रेखा गुप्ता जो इस NGO के संचालक है, वो बहुत ही फ्रॉड व्यक्ति है, वो हर समय झूठ बोलते हैं। उन्होंने हम सभी लोगों से एक कमिटमेंट किया था, वादा किया था, हम हर चीज़ रिटर्न में भी उन्होंने दिया हुआ है कि आप लोगों ने जगह जगह कोचिंग सेंटर खोले हैं और एक कोचिंग सेंटर पर 30 बच्चे इकट्ठे होंगे और टीचर को 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा और जो सुपरवाइज़र है मैनेजर है उनको जो है 25% टीचर की सैलरी का दिया जाएगा। लेकिन ना तो हमें सैलरी दी जा रही है, ना बच्चों का पैसा दिया जा रहा है, हम सब लोग पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। आइए इस मामले में कुछ स्थानीय महिलाएँ भी मौजूद हैं, आते हैं उनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या था। नमस्ते, मेरा नाम परमिला तोमर है, मैं सुपरवाइज़र में हूँ। हम एक संस्था से जुड़े थे, उस संस्था का नाम कृष्ण नारायण वेलफेयर सोसाइटी के नाम से थी, जिसमें कि विनोद गुप्ता सर, रेखा गुप्ता मैम जो इसके ओनर थे, तो उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था कि भाई हम इसको रोज़गार बनाएंगे और जगह जगह गाँव के लोगों को या मतलब जहाँ पर छोटी छोटी जगह पर जिनको रोज़गार की दिक्कत हो रही है उनको मतलब स्कूल के ये ट्यूशन सेंटर्स की वो दी जाए, सेवा दी जाए। तो सेवा पे ये था कि 5 बच्चों पे 1,000 रुपये और 12 बच्चों पे 3,000 रुपये, ऐसे करके उन्होंने सैलरी बेस बनाया था हमारे लिए। पर लेकिन जब 3 महीने हो जाने थे तो हर बच्चे का ये था कि 1,000 रुपये लेने थे, तो 30 बच्चों का सेंटर था और 30 बच्चों के बाद जब टीचर का हो जाना था तो उनको ना रिफ़ंड भी देना था, लेकिन ना तो हमें कोई रिफ़ंड मिला है और हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब हैरासमेंट हो रही है कि जो हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे कि वो सुसाइड करने को भी तैयार है, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी के बच्चे बीमार है और सभी कोई पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ना तो ये हमारे पैसे दे रहे हैं और ना हमसे ये सच्चा वो कर रहे हैं। इन्होंने 1 साल से हर महीने का वो टाइम दे देते हैं, लोग गांव से आते हैं, लड़कियाँ हैं, लेडीज़ें हैं और लड़के हैं, सब जुड़े हुए हैं, तो वो गाँव से बुलाते हैं तो फिर ना तो वो पैसे दे रहे हैं और ना हमारा कुछ भी बात पर मतलब हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो जिसमें कि हमने केस वगैरह के मतलब हर चीज़ का वो कर लिया हुआ, तो कहीं से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आइए इसी मामले में जानते हैं जो सोसाइटी के द्वारा सुपरवाइज़र बनाए गए थे उनका इनका क्या कहना है। सर मेरा नाम अर्जुन जोशी है और मैं यासिन सर के थ्रू से जुड़ा हूँ और इसमें कहा कि जगह जगह पर सेंटर खोलो और जो गांव के बच्चे हैं स्कूल के बाद वो पढ़ें, ट्यूशन पढ़े और जो गाँव के जो लोग हैं हाई स्कूल इंटर पास, उनके लिए एक रोज़गार मिल जाएगा कि आपके कितने जानने वाले हैं, उसके आधार पर मैं जो इनके माध्यम से आगे चलता रहा और इसके आधार पर जब मैं आगे चलता रहा तो मैं जगह जगह पर सेंटर खुलवाते रहा। आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि जो विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा कहा गया था कि आप लोगों का जो पैसा है इसमें सिक्योरिटी के रूप में जमा होगा वो वापसी मिलेगा 4 महीने में, लेकिन वो वापसी नहीं मिला है। आज तक बहुत दिक्कत आ रही है हमें पैसों से रिलेटिव में भी, क्योंकि अगर जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो आगे से ऐसा नहीं चलाना चाहिए था, जिससे जो है आने वाले टाइम में सबके लिए दिक्कत हो जाती है।
अभी आप डीएम साहब के शिकायत लेकर गए थे, आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, उप जिलाधिकारी महोदय ने हमें कहा है कि जो ये मामला है, हमने कहा उन्हें कि पहाड़ों में रहने वाले जो बच्चे थे, बच्चों को भी छला, टीचरों को भी छला, और उसकी मार सुपरवाइजरों को भी झेलनी पड़ रही, और जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया वो अब गायब हैं। वो कभी उन्हें फर्जी चेक दे रहे हैं इन लोगों के, कभी कह रहे हैं कि हम एक महीने बाद तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, कभी कह रहे हैं दो महीने बाद। ऐसे करते करते आप सोचे कि 2022 से पूरा 2023 भी आता निकलने वाला है। और आज जब हम उप जिलाधिकारी के पास थे तो उन्होंने कहा है, उन्होंने अभी तत्काल जो सेलाकुई में जो SHO है उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा इसमें मुकदमा दर्ज है, और पुलिस से पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की, तो पुलिस ने कहा कि हमने इस पर मुकदमा दर्ज किया और हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने अब ये सोचा है कि आज अकल में अब इसमें ये लगातार कंटिन्यूस हम आंदोलन करने वाले हैं जब तक इन बच्चों को न्याय ना मिला, जब तक वो फर्जी जो इतना बड़ा घोटाला करके हमारे उत्तराखंड के भोले भाले लोगों का, हमारे उत्तराखंड के भोले भाले बच्चों का बेरोजगारी के नाम पर मजाक बनाकर वो इनका आर्थिक शोषण करके, वो इनको मानसिक शोषण करके उसने इतने इन्हें इतना मजबूर कर दिया कि आत्महत्या तक के कदम उठाने के लिए भी बच्चे तैयार हैं। एक एक बच्चे ने अपने जो इनमें टीचर हैं उन्होंने 30-30 हज़ार रुपये फीस जमा कराई अपने जेब से बच्चों की, और आज उनका वो तो छोड़िए, मान दे तो छोड़िए, लेकिन जो इन्होंने बच्चों के नाम पर फीस जमा कराई वो पैसा भी लेकर चंपत है। सुपरवाइजर परेशान है कि अभिभावक या बच्चे जो हैं सुपरवाइजरों के घर में बैठे कि हमारा पैसा दो, वो कहाँ से देंगे 20-30 लाख रुपये? तो जो गुप्ता हैं या उनकी पत्नी है उनके खिलाफ़ मुकदमा लिखा है, और अब अभी तक तो एक मुकदमा था खाली सुपरवाइजर के थे, अब जितने बच्चे हैं जो ये अभिभावक हैं या इनकी तरफ से प्रत्येक के तरफ से हम मुकदमा लिखवाएंगे, और माननीय जो SSP कप्तान साहब हैं उनके पास भी जाएंगे, और इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जाँच बिठाएंगे, चाहे हमें किसी भी स्तर तक जाना पड़े।